दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आपको क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। लेकिन प्रॉब्लम तो है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। तो देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, पहला नंबर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है एक ही सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक ही सेंटेंस होता है, लेकिन इसमें एक सेंटेंस होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और एक होता है डिपेंडेंट। ये क्या बात हुआ, ये होता है, मतलब दो फाइनाइट वर्ब होगा, इसमें भी दो फाइनाइट वर्ब होगा, याद रखना। दो फाइनाइट वर्ब का मतलब दो मेन वर्ब जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंजेबल हो, लेकिन एक राजा एक गुलाम, मतलब एक इंडिपेंडेंट होगा और एक क्या होगा, डिपेंडेंट। यहां डिपेंडेंट को सिंथेसिस की लैंग्वेज में डिपेंडेंट क्लॉज ना बोलकर बोला जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्ट रहता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अब यहां पर इसको अच्छे से समझने के लिए आपको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता है, कोई बात नहीं, है ना। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ, क्लियर है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर जैसे मैं कहूँ, देखिए, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो, देखिए, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो, तुम क्या हो, इधर देखिए, तुम एक चोर हो, और ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता है, तो इट इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है। इतना क्लियर हुआ, जैसे दो सिंपल सेंटेंस है, यू आर अ थीफ का मतलब हुआ तुम एक चोर हो, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। इट इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। मतलब एक सेंटेंस ये है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक सेंटेंस ये है, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर है, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर है। अब आपके सामने कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक करना है, इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर क्या करना है, एक करना है, लेकिन एक करना है, वो भी कैसा सेंटेंस बनाना, सिंपल नहीं, कंपाउंड नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें दो फाइनाइट वर्ब तो हो, लेकिन एक इंडिपेंडेंट हो और दूसरा डिपेंडेंट हो, और डिपेंडेंट क्लॉज ऐड हो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो अब कुछ ऐसा करो कि राजा गुलामी, इस तरह की बात आए, देखो, हाँ, कि तुम एक चोर हो, जैसा कि तुम एक चोर हो, ये सबको पता है, देखो, जैसा कि तुम एक चोर हो, ये सबको पता है। तो चाहे आप एज करो या चाहे आप डेड करो, है ना, एज यू आर अ थीप, एज यू आर अ थीप, जैसा कि तुम एक चोर हो, सुनो तो सही, जैसा कि तुम एक चोर हो, ये सबको पता है। तो इज नोन टू ऑल। अब देखो, एक सिंपल या एक सेंटेंस का मतलब फुल स्टॉप एक ही जगह लगा हो, एक सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, फुल स्टॉप एक ही जगह लगा हो। तो देखिए, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो, इट इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है। इसको हमें ऐसे करना कि एक, तो जैसा कि तुम एक चोर हो, तो क्या सेंस पूरा समझ में आया, नहीं समझ में, देखो, जैसा कि तुम एक चोर हो, आगे करो, आगे बोलो, मतलब इस तरह का सेंस आ रहा है ना, या कंप्लीट सेंस आ गया। मैंने कहा जैसा कि तुम एक चोर हो, तो आगे कहोगे तो, एक सेंस आ रहा है कि नहीं, तो के लिए कॉमा लगता है, याद रखो, है ना, तो ये बात सब जानते हैं, और क्या, ठीक है। तो जैसा कि तुम एक चोर हो, तो ये क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है, जैसा कि तुम एक चोर हो, आगे नहीं पता है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। राजा है कि गुलाम, गुलाम है, मतलब
डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज से कौन सा कंजंक्शन है? एज, या यहाँ पर आप डेट भी लगा सकते हो। तो डेट को कैसा कंजंक्शन बोलोगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलेंगे। और ये देखो, ये बात सबको पता है, चोर वाली बात सबको पता है। अच्छा, तो ये कैसा सेंटेंस, कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी दूसरे सेंस के लिए, किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं है, राजा है। समझ में आया? बस हो गया, लिखिए।